सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज एक बार फिर से जानी पहचानी जगह कुलदीप भाई के यहाँ पे हैं मिंगणी खेड़ा गांव में, और बहुत अच्छी अच्छी भैंसे। जितनी बार भी हम भाई साहब के पास वीडियो बनाने आए हैं, सारी की सारी भैंसे, छोटी भी और बड़ी भी, सारी तरह की भैंसे देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में फिर देखेंगे अच्छी भारी भारी भैंसे। सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ पीछे हमारे पीछे कुछ छोटी भैंसे भी खड़ी हैं। तो सभी भैंसों के बारे में जानकारी लेंगे। भाई साहब से बताना चाहूँगा, ये वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लक्ष्मी डेयरी फार्म से, और इनका गांव जो है मिंगणी खेड़ा है। और मिंगणी खेड़ा मैं कहूँगा आज की डेट में वो गांव जहाँ से मैं कहूँगा पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पशु बेचने वाला कोई गाँव होगा, अगर गाँव का सर्वे किया जाए तो। यहाँ पे मेरे ख्याल से 10, 15, 20 पशुओं का काम करने वाले, सेल परचेज करने वाले, और 4-5 डेयरी फार्म हैं इतने बड़े, जो कि मेरे ख्याल से हर महीने 100, 150, 200 फार्म पशु बेच रहे हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई दे रहे हैं। काफ़ी पुराना काम यहाँ इस गांव से मेरे ख्याल से 50, 60, 70 साल से बिक्री का काम चल रहा है। और भाई साहब से पूछेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। कुलदीप भाई हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भाई साहब कितनी भैंसे हैं आज अपने पास? आज अपने पास जी ताजी और बाकड़ी मिला के 10 पशु हैं जो बिके हुए हैं। जो बिके हुए हैं इनमें से 5 भैंस तो हैदराबाद जाएगी, बाल रेडी है, उन्होंने ऑनलाइन भैंस खरीदी है पहली बार। ठीक है। और अच्छे सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्शन किया अच्छी भैंसों का उन्होंने। हाँ हाँ। और 5 भैंस बारामती के किसान, उन्होंने 2-3 रेडी ले ही है, 1-2 ग्याबन ले ही है, अपना कटड़ी कहते हैं रेडी कहते हैं मराठी में। हाँ हाँ हाँ। और 2-3 दूध वाली ले ही है जी। ठीक है। तो हर भैंस का विस्तार के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये बताइए भाई साहब, जो हैदराबाद पशु जाने वो कितने दिन पहले से ले रहे हैं आप उनके पशु? 4-5 दिन हो गया जी। 4-5 दिन पहले ऑर्डर आया था, एक भैंस से 2-2 टाइम दूध देख के, उन्होंने 4 तो ब्याई हुई ली, 1 प्रेग्नेंट ली है। वीडियो कॉल पे देखा है सभी का दूध? जी सभी का दूध वीडियो कॉल पे देखा है जी। तो कोल्हापुर जो गाड़ी छोड़ के पशु छोड़ेगी वही बाद में हैदराबाद? पहले 5 भैंस बारामती उतारेगी, बारामती उतारने के बाद सोलापुर होके हैदराबाद जाएगी गाड़ी जी। ठीक है ठीक है, वही गाड़ी आगे चली जाएगी। किधर से दिखाना शुरू करेंगे जी भैंसे? ये भैंस खोलो, ये अभी लगभग 10 दिन से ऊपर इसका बच्चा देने का समय बाकी है जी। ठीक है। फर्स्ट लैक्टेशन में 16 लीटर दूध दिया है इसने, पहले ब्यात में 16 लीटर दूध दिया, अभी दूसरी बार बच्चा देने वाली है। बात देखो जी, हमने 20 की उम्मीद करके कस्टमर को दे ही है। हाँ हाँ। आगे भगवान जाने भी भैंस जाने जी। कितने की दी है जी? 1,40,000 की दी है। 1,40,000 रूपए की दी है। 20 किलो दूध दूसरे ब्यात में देना चाहिए, 16 किलो दूध पहले ब्यात में दिया है। बहुत ही लंबी चौड़ी ऊंची सारे मामलों में बहुत ही सुपर क्वालिटी की जोटी देखिए, और इस रेट में अच्छा पशु ही आता है। ये नहीं है कि कोई माड़ा पशु इस रेट में बिकता है। 10 दिन बाकी हैं जी? हाँ जी 10 दिन। 10 दिन बाकी हैं, बहुत सुपर क्वालिटी की जोटी है देखिए, बहुत लंबी चौड़ी ऊंची भी, और क्वालिटी जोटी की दिखाई दे रही है, एक जोटे जितनी बड़ी है। बुल जिसको हम कह देते हैं, जो सांड होता है वो काफ़ी बड़ा भैंसों से होता है, और ये जोटी भी काफ़ी बड़ी लंबी ऊँची, और जितनी बार भी हमने देखा है जो भी क्वालिटी, जिस क्वालिटी का पशु लेना चाहते हैं ग्राहक, उसी क्वालिटी के कुलदीप भाई के पास पशु हम रूटीन में देख पाते हैं, चाहे वो कम रेट का लेने वाला हो चाहे वो ज़्यादा रेट का लेने वाला हो। बाकी ज़्यादातर हमने देखा है कि अच्छी भैंसे लगभग 1,00,000 से ऊपर की भैंसे ही भाई साहब के पास मिलती हैं। दो नंबर। दूसरी बात भाई साहब, 5 भैंसे इन्होंने ली ऑलरेडी जी ने। हाँ हाँ। 500 भैंस, यहाँ हर भैंस 10,000 प्रॉफिट से बिक रही है। अच्छा अच्छा। तो हमने जबान करके अगले की ली है, तो वही भैंस उनको भेजेंगे जी। ठीक है ठीक है। ताकि आगे ग्राहक भी बने और उनका भी काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। दो नंबर पे देखिए एक और खूबसूरत ओटी, ये वाली भाई साहब ये 1,20,000 की दी है। 1,20,000 रूपए की दी है, ये भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जोटी। कितने दूध वाली है जी? भाई 3 दिन ब्याई हो गया जी इसको, आज सुबह से हम 12 लीटर खीस निकाल के ले ही है। ठीक है ठीक है। कोई भैंस को टाइम नहीं लगा, सुबह 7 बजे की सब खाली है जी, और इसका जी 16-17 लीटर दूध आराम से देगी जोटी, बड़ी तसल्ली के घर से आई है जी। 1,20,000 रूपए की दी है, देखिये बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कमी है, वो मैं नजदीक आएगी तब दिखाता हूँ, बाकी जोटी में किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। सीसवाल गांव से सुरेंद्र भाई है भैंस। ठीक है ठीक है। सीसवाल की भैंस सुपर रहती है दूध में, बहुत बढ़िया। एक सिंग टूटा हुआ है, बस यही कमी है, बाकी नीचे से आप देखेंगे तो अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है जोटी की। ये देखिए सुबह 7 बजे दूध निकला है, अभी शाम को 5 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अडर देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही जोशीले अडर वाली जोटी है, बहुत ही कम इतने जोशीले अडर वाले पशु देखने को आजकल मिलते हैं। इससे आगे 3 नंबर पे एक और जोटी, ये वाली 3 नंबर की थी, ये जोटी
सबसे कम रेट में ले जी 1,15,000 में। ठीक है, चार दांत सुरेंद्र भाई ये 16 लीटर भी क्रॉस करेगी जी। ठीक है, लीटर फीस निकाल के लिया, पहले ब्यांत की है? नहीं, है दूसरे ब्यांत की जी। अच्छा अच्छा, पहले खीरी भी आ गई थी, अदंत भी आ गई थी ना, उसके बाद अब चार दांत दोबारा बच्चा दे दिया जी। ठीक है ठीक है, दोनों एक ही गाँव से आई है जी, दोनों सीसवाड़ से ही आई है। हाँ जी, दोनों किसान के घर से आई है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बच्चे ऊपर बांध रखे हैं, रस्सी वगैरह को खोलने में दिक्कत। चार दांत जोटी देखिए, ये भी अच्छी क्वालिटी की, भाई साहब ने हमें बताया 16 किलो दूध निकालेगी। कितने दिन की ब्याई हुई आज? तीन दिन की ब्याई में कितना दूध है? 12 लीटर खीस है जी। 12 लीटर खीस है, ठीक है। तो भाई सुरेंद्र भाई हम बता ही रहे सबको, भाई जिसको डाउट लगा अपना 3 टाइम निकालो। बिल्कुल, चलो किसी की बुराई ना करो, माल को बिकना है जी। बिल्कुल, आप आगे वाली खोल लो जी। हाँ, वो तो अकेली ही बंदी हुई है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया चार दांत जोटी। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे डेयरी फार्मों पे आपने देखा होगा, वैसे चार दांत नॉर्मली पहले ब्यांत में ही बच्चा देती हैं। चार दांत जोटियाँ मोस्टली पहले ब्यांत में ही बच्चा देती हैं, लेकिन दूसरे ब्यांत में कोई कोई जोटी बच्चा दे देती है। और ये जोटी भी देखिए, चार दांत, बिल्कुल चार दांत है जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी जोटी, सींग की क्वालिटी, चेहरे की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और नीचे का जो सिस्टम है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। इससे आगे फिर, इससे आगे ये बिक्री के लिए जी, हमारी खुद की है। हाँ हाँ, इसका जी 10-12 दिन ब्याने का टाइम बाकी है अभी। हाँ हाँ, छह दांत में जोती है, छह दांत दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ जी, दूसरी। क्या कीमत की है जी ये? ये कीमत इसकी जी 1,65,000 रखी है हमने। हाँ हाँ, अब देखो जी कितने की बिकेगी, क्या होगा, हम तो खरीद के ले आए हैं। क्या पहले ब्यांत में कितना दूध दिया है? पहले ब्यांत में 14 लीटर दूध दिया जी। 14 लीटर, अभी कितना निकाल देगी भाई? देखो जी 17-18 की उम्मीद है इससे। बाकी निकालना करना तो भाई सही सलामत ब्याज है सुरेंद्र भाई। बिल्कुल, 1,65,000 रुपए की बेचनी है, बेचनी है। देखिए बहुत ही बढ़िया ये भी जोटी, ये देखिए बहुत ही शानदार, आर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत अच्छी। आगे वाली जोटी एक और, मेरे ख्याल से जो पशु हैदराबाद जाने हैं सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये सुरेंद्र भाई जगदीश लिल्लस से आई है, लिल्लस गांव से। अच्छा अच्छा, 18 लीटर 2 टाइम तोल के लिए लाइव मिल्किंग करी है बार्टी को। ठीक है ठीक है, 1,30,000 की लीजिए जी, 1,30,000 रुपए की। हाँ जी, ये 20 क्रॉस कर सकती है अगर मालिक खिलाएगा तो जी। जगदीश बिश्नोई लिल्लस गाँव से, उनके पास से आई है, पहले भी एक जोटी हमने देखी थी, उनके घर की जोटी भाई साहब ने खरीदी थी जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो भी जोटी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा आदमी है जी, मेरे व्यापार के लिए घूम के गांव से पशु दिला भी देते हैं जी। ठीक है ठीक है, ईमानदार आदमी है जी। ठीक है ठीक है, ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया, 18 लीटर तैयार दूध है जी अभी। बिल्कुल 18 लीटर तैयार दूध है, भाई साहब ने हमें बताया, 2 टाइम लाइव मिल्किंग की है, और अडर जो है पैरों के बीच में फंसा हुआ है, पीछे का दिखाव नहीं है जोटी का। ये वाली भाई साहब, ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। अच्छा, क्या कीमत रखी है, कितना दूध है इसका? 1,35,000 कीमत रखी है जी, 14 लीटर दूध अब है जी, 7 दिन की ब्याई है। 7 दिन की ब्याई में 14 लीटर दूध, कीमत 1,35,000 रुपए, नीचे कटी है जी, साथ में कटड़ी। कौन से, दूसरे ब्यांत की? हाँ, दूसरे 6 दांत है जी। ठीक है ठीक है, 6 दांत, ये देखिए। तो मेरे को दिखा, मैं खोल दूँ, आदमी अकेला है सुरेंद्र भाई, पशु हो गए ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये देखिए जोटी, ये भी खूबसूरत बिक्री के लिए उपलब्ध भाई साहब के यहाँ, साफ सुथरी जोटी ले आओ भाई साहब। एक आदमी होने के कारण थोड़ा सा वीडियो में, हाँ 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 हाँ, इससे आगे ये वाली जोटी भाई साहब हैदराबाद, इधर लो, किस कीमत की दी है? ये दी जी भाई साहब 1,20,000 की। 1,20 की, दूध कितना है जी इसमें? परसों भी आई थी जी, थोड़ा कम खाया पिया ब्याने के बाद, 12 किलो खीस है जी। हाँ हाँ, और थोड़ी सुबह सा करके ब्याने के बाद। ठीक है ठीक है, 1,20,000 की देगी जी। 1,20 की, कितना दूध दे देगी भाई साहब? ये तो 17-18 लीटर देगी जी, 17-18 लीटर दूध निकालेगी। देखिए दूसरे ब्यांत की जोटी, इससे आगे फिर इधर इसका दूध निकल गया जी,
अच्छा दूध निकला हुआ है। ये जाएगी जी बारामती। बारामती ये किस कीमत की जाएगी? 68,000 की जी ओनली। 68,000 रुपए की जाएगी। पहले ब्यांत की है शायद? पहले ब्यांत की है जी। ये कितना दूध निकाल देगी? दे देगी बस 9-10 लीटर दे देगी जी। 8 लीटर 7 लीटर देना चाहिए वैसे? ना ना जी 8 तो इसमें 7 लीटर दूध भी है अभी। अच्छा अभी भी है भाई। एक बार कौन कौन दूध निकाल लिया इसने? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे से देखिए अडर जड़ा हुआ है, इस कारण से लग रहा है कि दूध कम देने वाली जोटी है। इससे आगे फिर ये वाली ये 92,000 की देगी सुरेंद्र भाई। 92,000 की बारामती जाएगी? ये बारामती जाओगी महाराष्ट्र? पुराने ग्राहक है अपने? पुराने ग्राहक है जी। ठीक है, बारामती जाएगी 92,000 रुपए की जोटी, शायद दूसरे ब्यांत की है। ये भी देखिए बहुत खुले खुले थनों की, खुले अडर की, छोटे सिंह की, साफ सुथरी बिल्कुल। ये देखिए, और भैंसे भाई साहब के यहाँ अब रूटीन में मेरे ख्याल से 4-5 भैंसे तो जितनी बार भी हम वीडियो बनाने आते हैं उस टाइम बिक्री वाली मिलती हैं। अच्छा भैया ध्यान करिए, कोई बच्चा पी गया था दूध तो भैंस पस के खड़ी होगी। ठीक है ठीक है। वैसे सुबह से 7 बजे और शाम को 7 लाइव मिल्किंग कर रखी मालिक ने। ठीक है, वैसे भाई साहब देखा जाए तो 4-5 भैंसे अब रूटीन में रखते हो आप बिक्री वाली? कम से कम 10 जी। 10 भैंसे रखने लगे? ठीक है ठीक है। मिंगनी खेड़ा में अपना डेयरी फार्म है जो बिक्री के लिए रखता हूँ उपलब्ध जी। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लगभग आपको बुलाए को झूठ बोलनी, आप जानते भी इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए 84,000 की देगी जी। 84,000 की बारामती जाएगी? हाँ जी। ठीक है ठीक है, ले आओ। कितना दूध है जी? दूध इसमें 11 लीटर है जी। 12 हमने 11-12 ही बोल के मालिक को दी है जी। ठीक है ले आओ जी, ले आओ। 11-12 बोल के ही दी है। देखिए जोटी बहुत ज़्यादा शोर शराबा, मेन रोड के ऊपर भाई साहब का घर है और यहीं काफ़ी जो है शोर शराबा है, कहीं ट्रैक्टरों का, कहीं मंदिरों में माइक बज रहे हैं। तो ये कटड़ी दिखा दें फिर। हाँ हाँ, ये भी बारामती जाएंगी? हाँ जी। दो ये कटड़ी है, एक ये भैंस है जी, 5 महीने की अपन है। किस किस कीमत की दी है भाई साहब ये कटड़ी? तो देगी जी 65,000 की दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा पशु ज्यादा होने के कारण अंदर बाहर रही है तो सेवा कम, सेवा नहीं हुई ज्यादा भैंसों की। हाँ हाँ हाँ। और ये भैंस है जी 8 लीटर दूध है, 5 महीने की अपन चेक करवा दी अगले। ये कटड़ा है इसके नीचे वो बैठे वहाँ पर। ठीक है ठीक है। खाया पिया कम है पशुओं ने? कम खाया पिया, सुबह करके थोड़ा आगे जी। ठीक है ठीक है। तो आज की भैंसे देखिए भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया 10 भैंसे लगातार बिक्री वाली रखते हैं, और जिस डेयरी फार्म पे बिक्री वाले पशु खड़े हैं वहाँ पे एक ही खुट्टे पे आप 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम दूध देख सकते हो, कहीं आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब कहाँ बिक्री कर रहे हो आजकल ज़्यादा भैंसों? ज़्यादा जी महाराष्ट्र तो है ही जी, परमानेंट ही होता अपना। हाँ हाँ। और ये हैदराबाद भी जा रही है, बाकी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद है। अच्छा। राजस्थान के कस्टमर भी और एमपी के कस्टमर बहुत आते हैं जी। ठीक है ठीक है। बाकी 2 लेनी, किसी को 3 लेनी, अपनी 2 टाइम है, कोई भी कस्टमर आओ 2-3 टाइम दूध निकाल के ले जाओ जी। ठीक है। बार बार ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ। किसी की बुराई करने की जरूरत है। हाँ। इसके माल में तो मैं सुरेंद्र भाई जिसको 8 लीटर 7 लीटर टाइम का निकालना बिकेगी, मैं बिल्कुल बिकेगी जी, कोई कुछ भी कहता रहे जी। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी कस्टमर आगे अपनी 2 टाइम तसल्ली कर सके और अच्छे पशु लेके जाओ जी, सबका काम चलेगा सुरेंद्र भाई, सबका ही फायदा है जी उसमें। बिल्कुल, रहने खाने पीने की तो सारी सुविधा सुविधा है जी, घूमने के लिए गाड़ी अपना डीजल डालो जितना मर्जी घूमो। ठीक है ठीक है। और नंबर कॉन्टेक्ट नंबर होगी? बताओ, आप बता दो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है जी 99-926-22-491। ठीक है। 80-591-62-491। ठीक है जी भाई, थैंक यू। तो ये देखिए आज की वैसे हमने लक्ष्मी डेयरी फार्म मिंगनी खेड़ा से भाई साहब के यहाँ से, कुलदीप भाई के यहाँ से बनाई वीडियो। जो भाई वीडियो देख रहे हैं बताना हमें कमेंट्स में आपको कैसी लगी आज की वैसे। लगभग जो वैसे हैदराबाद जानी है वो तो सारी की सारी वैसे सुपर क्वालिटी की हैं। अगर आप भैंस लेना चाहते हैं तो मैं बता रहा था एक जगह जहां 10 भैंसे खड़ी हैं वो तो एक अलग ही मज़ा है उस फार्म से पशु लेने का। और जो भाई कुलदीप भाई से संपर्क करना चाहते हैं नीचे स्क्रीन में इनके नंबर चल रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, भैंसों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।